आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षय चार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न पांचवा सवाल। प्रश्न पांचवा सवाल देखना, सरल रेखा लिखा है, सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल व y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण है ध्यान रखना, ये सरल रेखा का समीकरण लिखा है यहाँ पर, देखो सरल रेखा उसी को लिख रहा हूं, प्रश्न को ही लिख रहा हूं। देखना सरल रेखा लिखा है 5x + 6y = 7 ये इतना प्रश्न को ही लिखा हूं, सरल रेखा 5x + 6y = 7। अब पहले से प्रश्न लिखा है y बराबर mx प्लस c, तो हमको क्या करना है, जैसे इसमें y पहले है ना, तो y को इधर रखना है, बाकी को इधर पक्षांतर कर देना है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, 6y बराबर इसको इधर ले आना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, ये 6y हो गया, ये प्लस है, इधर आ गया क्या हो गया माइनस, और 7 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस 7। तो ये हो गया, देखो 6y हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस 5x, और ये क्या हो गया प्लस 7। हमको मान किसका निकालना है, y का, तो 6 कहां आ जाएगा इसके नीचे, कुछ नहीं मतलब कहां जाएगा भाग में, तो यहां से ये हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो 6 का भाग देने पर, यहाँ पर अगर 6 है तो 6 का भाग देने पर लिख सकते हो, या इसको इस प्रकार लिख सकते हो y बराबर ये माइनस 5x + 7 है, ये कुछ नहीं है तो कहाँ आएगा इसके नीचे में, ध्यान देना कुछ नहीं है तो कहाँ आएगा नीचे में, तो y बराबर हो जाएगा, ये 6 दोनों के लिए है ध्यान देना, तो माइनस 5x / 6 और प्लस क्या हो गया 7/6। अब इसको इससे तुलना कर देना, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो समीकरण, क्या लिख सकते हो एक, यहां पर लिख देना समीकरण एक को, ये हो जाएगी इस प्रकार लिखना, समीकरण एक को y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, ध्यान देना mx प्लस c से तुलना करने पर, तो ध्यान से इसको देखना, अगर इसको तुलना करोगे mx प्लस c से, देखना ये सेम है, यहां पर देखो mx प्लस c, तो देखो x और x कट जाएगा, ध्यान देखना तुलना करोगे तो देखो इस प्रकार लिखोगे क्या हो जाएगा, इसका इससे तुलना होगा, यहाँ पर y था y बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार अगर लिखोगे mx बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5x/6, तो यहां से क्या होगा, देखो x और x कट गया, m बराबर क्या बचा माइनस 5/6, उसके बाद देखो c का तुलना इससे होगा, तो c बराबर क्या हो गया 7/6। ये हुआ, यहां पर देखो इसका मान निकल गया, m को क्या बोलते हैं प्रवणता, तो प्रश्न बोला है रेखा की ढाल, तो क्या हो जाएगा यहां पर लिख देना, अतः रेखा की ढाल, ढाल कितना हुआ, देखो m मतलब ढाल कितना है माइनस 5/6 व y अक्ष से अंतःखंड, तो c मतलब होता है अंतःखंड, y अक्ष से अंतःखंड, y अक्ष से अंतःखंड कितना आया 7/6, इस प्रकार लिख सकते हो y अक्ष से अंतःखंड कितना आया 7/6 है, ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर है इतना, यहाँ पर अच्छे से देख लेना, बराबर देख लो, देखो यहाँ क्या है, y को इधर रखना, प्लस उल्टा माइनस हो गया, ये प्लस 7, y का मान निकालना है, इसलिए 6 कहाँ गया इसके नीचे में, 6 को दो बार अलग अलग कर सकते हैं, माइनस 5x/6 प्लस क्या हो जाएगा 7/6, इसको तुलना करना है y बराबर mx प्लस c से, तो mx बराबर हो जाएगा माइनस 5x/6 और c बराबर हो जाएगा 7/6, इसका तुलना होगा दोनों से, तो x और x कट गया, m बराबर माइनस 5/6 और c बराबर आ गया 7/6, तो m को ही क्या बोलते हैं रेखा की ढाल और c को बोलते हैं y अक्ष से अंतःखंड। क्लियर है इतना, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, धन्यवाद।